जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोस्ट गुप्तास, जिसमें हम मेनली पढ़ेंगे पुष्यभूति डायनेस्टी या वर्धन डायनेस्टी, और उसमें भी हर्षवर्धन के रूल को पढ़ेंगे कि कैसे गुप्तास के बाद जो है एक ऑल इंडिया एम्पायर ब्रॉड लेवल पर नॉर्थ इंडिया तक जो है बनाने में कामयाब रहे कौन, हर्षवर्धन। और उसके बाद जो है सदरन इंडिया में हम देखेंगे चालुक्यास के बारे में, चालुक्यास में हम वेस्टर्न चालुक्यास, ईस्टर्न चालुक्यास और पल्लवास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने संगम एज में जो है चोलास, चेरास, पांड्यास देखा था। चोलास के बाद आपको पल्लवास मिलते हैं, कालभराज मिले, फिर पल्लवास आते हैं, पल्लवास के बाद फिर दोबारा से चोलास मिलेंगे। तो ये हमारा अगला सेशन होगा। यहाँ पर आज का हमारा एंशंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। एंशंट हिस्ट्री की जो पूरी की पूरी सीरीज हमने चलाई है, जिसमें हमने कोशिश कर रहे हैं कि पूरा एग्जाम ओरिएंटेड सेशन हो, कंसाइज सेशन हो, वो यहाँ पर हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है जी, आखिरी में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। बहुत बड़ा सेशन नहीं होगा, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि 12 घंटे में हम पूरा का पूरा एंशंट हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे। तो उसी तर्ज पर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सेशंस जो आपके हैं लगभग 12 घंटे में आपका पूरा एंशंट हिस्ट्री कंप्लीट है। अगर आप इसको पढ़ के जाते हैं, समझ के जाते हैं, इन क्वेश्चंस को करके जाते हैं, जो कि मैंने हर सेशन के बाद किए हैं, तो आप एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट एंशंट हिस्ट्री का कर पाओगे। दैट इज अ माई प्रॉमिस टू यू। शुरुआत करते हैं आगे सेशन की। तो सबसे पहले पोस्ट गुप्ता पीरियड। पोस्ट गुप्ता पीरियड में पहला आता है हर्षवर्धन, क्योंकि हर्षवर्धन एक ऐसे रूलर रहे जिन्होंने एक जो है बड़े स्तर पर एम्पायर डेवलप किया। उसके बाद कोई भी ऐसा एम्पायर नहीं आ पाया जो कि पैन इंडिया एम्पायर आपको देखने को मिले। सो हर्षवर्धन रूल्ड अ लार्ज नॉर्थ इंडियन एम्पायर। ठीक है जी, लगभग आप देख सकते हैं 606 टू 647 CE, मोटा मोटा अगर हम आइडिया लें तो 7th सेंचुरी में ये थे। और हिज रीन ब्रिज द एंशंट एंड मेडिवल एरिया ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो इसके बाद हम ट्रिपेटाइट स्ट्रगल देखते हैं। ठीक है, ट्रिपेटाइट स्ट्रगल में एक तरफ गुजर प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे और पाल एम्पायर था। वो लड़ाई कहाँ के लिए चल रही थी? कन्नौज के लिए चल रही थी। सो ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ वर्धन डायनेस्टी एंड द लास्ट ग्रेट एम्परर बिफोर द मुस्लिम इन्वेजन्स, जो हमें लाइक 10th 11th सेंचुरी में जाकर आपको देखने को मिलता है। वहां पर उससे पहले नॉर्थ इंडिया में एक बड़ा एम्पायर जो है हर्षवर्धन डेवलप करते हैं। ही रीयूनिफाइड मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया आफ्टर गुप्ता एम्पायर और लगभग 40 साल तक रूल करते हैं फ्रॉम कन्नौज। अब देखो ये चीज यहां पर आपको समझना है, मौर्य के समय पर पाटलिपुत्र था, फिर हमने देखा कि किस तरीके से शुंग उनके समय पर जो है उज्जैन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बनता है, फिर हमने देखा था कि किस तरीके से जो है आपका जो सेंटर ऑफ पावर है कनिष्क के समय पर, कुषाण एम्पायर के समय पर पुरुषपुर, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, जो पेशावर का इलाका है, वहां पर आता है। और उसके बाद दोबारा से गुप्तास के समय पर ये पावर सेंटर आता है कहां पर? पाटलिपुत्र में। अब गुप्तास के बाद दोबारा से पाटलिपुत्र पर जो है पावर सेंटर शिफ्ट नहीं होता है। अब यहां पर पावर सेंटर कहां पर आ चुका है? कन्नौज में। और ये कंटिन्यूड रहता है कह लीजिए राष्ट्र, जो आपका ट्रिपेटाइट स्ट्रगल है। ठीक है, ट्रिपेटाइट स्ट्रगल और उसके बाद इवेंचुअली दिल्ली जो है पावर सेंटर बनकर उभरता है। ठीक है, तो ये जो है यहां पर कहानी चल रही है कन्नौज। कन्नौज अब एक पावर सेंटर बन चुका है और कई कह लीजिए सेंचुरीज तक अब कन्नौज जो है पावर सेंटर रहेगा। जो जिसका कब्जा या कह लीजिए कंट्रोल है कन्नौज पर, वो माना जाता है कि वो रूलर है नॉर्थ इंडिया का। पुष्यभूति डायनेस्टी, जिसको वर्धन डायनेस्टी भी कहा जाता है, रोज आफ्टर द गुप्ता एम्पायर, हर्षवर्धन जो है रूलर बनते हैं थानेश्वर के एट द एज ऑफ 16। ठीक है, मात्र 16 की एज में अपने ब्रदर की डेथ के बाद। वर्धन एम्पायर वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द 7th सेंचुरी। अगर हम देखें एक तरफ कामरूप है, ठीक है, कामरूप जो कि प्रेजेंट डे आपका असम वैली है, ठीक है, असम का रीजन है, टू द साउथ ऑफ नर्मदा रिवर, और एम्पायर जो है कवर करता है मॉडर्न डे उड़ीसा, पंजाब, बंगाल, ठीक है, इंडो गंजेटिक प्लेन, तो ये यहाँ तक जो है नर्मदा नदी तक। ये एक बहुत खास है क्योंकि पुलकेशिन टू ने बकायदा हराया है, ठीक है, हर्षवर्धन को, और उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर जो है वो मेंशन भी किया गया है अलग अलग इंस्क्रिप्शंस में कि हाँ जी हमने नॉर्थ इंडिया के कितने बड़े जो एम्परर को हरा दिया है। ठीक है, सो ही इंक्लूडेड डायरेक्टली रूल्ड एरियाज एंड फ्यूडिटरीज लाइक जालंधर, ठीक है, प्रेजेंट पंजाब एंड द कश्मीर रीजन। तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपका जो वेस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है, वो भी जो है इनके कंट्रोल में है।
हर्षवर्धन एम्पायर की अगर हम बात करें तो गुप्ता जो पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन था उसी को कंटिन्यू किया गया। देखिए एक बहुत बड़ा एम्पायर जो अपने पीक पर पहुंचा, इंडिया का आर्ट आर्किटेक्चर लिटरेचर पीक पे पहुंचा, तो उसका एक बहुत वेल एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेशन था, उसी को फर्दर कंटिन्यू किया गया। एम्पायर में ब्रॉडली ये कहा जाता है कि बहुत कोई स्लेवरी नहीं थी, ठीक है, लोगों के पास, गरीबों के पास सफिशेंट अनाज था, खाना था, फेयर रूल था, लाइट टैक्सेस थे। कन्नौज द कैपिटल अट्रैक्टेड आर्टिस्ट स्कॉलर्स, दुनिया भर से जो स्कॉलर्स वहां पर आते थे, ठीक है, क्योंकि पेट्रोनेज थी, रूलर की पेट्रोनेज थी। और ही ऑल्सो मेंटेन्ड गुड रिलेशंस विद चाइना और डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी थे। और इसके बाद हुआन जैंग, ठीक है, ये आपका बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हुआन जैंग एक चाइनीज ट्रेवलर किसके समय पर आया, तो वो जो है किसके समय पर आता है, हर्षवर्धन के समय पर आता है। हर्षवर्धन काफ़ी अच्छे से उसको रिसीव करते हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। डिटेल्ड में हर्षवर्धन का कालखंड अब जो है इनकी राइटिंग से हमें पता लगता है। चाइनीज स्कॉलर हैं, हर्षवर्धन ने भी महायान बुद्धिज्म को अपनाया, बहुत बड़े स्तर पर जो है चैरिटी किया करते थे हर्षवर्धन। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये इतनी चैरिटी करते थे कि अपने कपड़े तक जो है डोनेट कर देते थे, ठीक है जी। सो बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग आर्मी विद कैवेलरी एलिफेंट्स इन्फेंट्री सॉरी। सो द इकॉनमी वॉज लाइकली फ्यूडल स्ट्रक्चर था। आप जो है एक पर्टिकुलर एरिया में कह लीजिए जो भी फ्यूडल लैंडलॉर्ड है उसके पास टैक्सेस कलेक्ट करने की पावर है, उसके बशर्ते उसको मिलिट्री मेंटेन करनी है और राजा की हेल्प करनी है इन द टाइम्स ऑफ नीड। विद कॉइन स्कैर्सिटी एंड ट्रिब्यूट पेइंग रूलर्स, ठीक है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया फ्यूडल लैंडलॉर्ड सिस्टम है जिसको कहा गया महासामंत, ठीक है, सामंतवादी सिस्टम, महासामंत जो है ये शब्द आपका यहां पर यूज किया गया। इसके अलावा हर्षवर्धन जो है बहुत पैटर्नेज करते हैं आर्ट आर्किटेक्चर को, एजुकेशन को। 3 संस्कृत प्लेज लिखे, सीधा सीधा क्वेश्चन आपका बनता है, 3 संस्कृत प्ले लिखे जिसका नाम है नागनंदा, रत्नावली, प्रियदर्शिका। खुद जो है कह लीजिए रूलर है, उसके साथ साथ जो है प्लेज भी लिख रहे हैं, संस्कृत में है तीनों के तीनों। ये इंपॉर्टेंट है, इससे ये पता लगता है कि संस्कृत की जो डोमिनेंस है वो बरकरार है। और यहां पर इसको याद कर लेते हैं, कैसे याद करना है, जो हर्ष है, ठीक है, हर्ष है प्रिया का वेट कर रहा है, प्रिया के दर्शन की वेट कर रहा है, दर्शन की मतलब प्रिया की कह लीजिए वेट कर रहा है, ठीक है, किसी रेस्टोरेंट में बैठकर। और अब उसको बहुत भूख लग रही है, जैसे कहते हैं ना भूख लग रही है तो पेट में चूहे कूद रहे हैं, ठीक है, रैट पेट में चूहे कूद रहे हैं, और नाग और कह लीजिए सीने पर सांप लौट रहा है, ठीक है, कि प्रिया कहाँ पर है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, उसको वेट, उसको मिलना भी है, प्रिया के दर्शन के लिए वेट कर रहा है। सो प्रियदर्शिका, रैट से रत्नावली, नाग से नागनंदा, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। इसके अलावा ही डेडिकेटेड अ क्वार्टर ऑफ हिज रेवेन्यू टू सपोर्टिंग स्कॉलर्स, तो आप ये समझ के चलिए कि कितना ज्यादा फोकस होगा एजुकेशन पर, ठीक है, कि अराउंड 25% तक के जो रेवेन्यू है ये कहा जाता है कि स्कॉलर्स पर खर्च किए जा रहे हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा थ्राइव करती है इनके समय पर, बन चुकी है गुप्ता पीरियड के समय पर, यहां पर थ्राइव कर रही है, 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स जो है कहा जाता है कि जो है वहां पर थे, वो रहते थे वहां पर, एक मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर ही ये सारा का सारा सिस्टम बना हुआ था। अब इसको लेकर दो तरीके के थॉट प्रोसेस हैं, दो तरीके का हिस्टोरियंस का मानना है। कुछ हिस्टोरियंस जो है ये सीधा सीधा लिखा गया है हुआन जैंग के रिकॉर्ड्स में, कुछ लोगों का या कुछ हिस्टोरियंस का ये कहना है कि 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स को कह लीजिए अकोमोडेट करने के लिए जो प्रेजेंट नालंदा यूनिवर्सिटी, जो मतलब कह लीजिए जो नालंदा यूनिवर्सिटी के अवशेष हैं, उसमें इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखाई नहीं देता है कि वो इस कह लीजिए नंबर्स को मैनेज कर सकता है। तो कुछ हिस्टोरियंस इसको, इस पर्टिकुलर फिगर को डिस्प्यूटेड भी मानते हैं कि ओवर एग्जेजरेशन भी कहते हैं। बट हैविंग सेड दिस, इसका अब इसका काउंटर पॉइंट ये है कि आसपास की जगहों पे क्या जो है उस लेवल पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं या उस लेवल पर खुदाई हुई है कि हम हो सकता है कि जब फ्यूचर में इसके अवशेष आपको देखने को मिले, ठीक है जी। एनीवेज, तो यहाँ पर हम इसको बहुत ज़्यादा आगे एक्सटेंड नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफर्ड वास्ट करिकुलम जिसमें वेद की पढ़ाई है, बुद्धिज्म की पढ़ाई, फिलॉसफी, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ये सारी चीज़ें जो हैं पढ़ाई जा रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बानभट्ट
किंगडम्स प्राइमरी पोएट, ठीक है जी, ये हर्षवर्धन का कह लीजिए कोर्ट का सबसे जो प्राइमरी पोएट हैं बाणभट्ट हैं, ठीक है, स्थान कवि जो है इनको कहा जाता है, सर्व्ड इन द हर्षवर्धन कोर्ट, ठीक है, सीधा सीधा ये क्वेश्चन आपका बनता है। हर्षचरिता जो है इन्होंने किताब भी लिखी है। नेक्स्ट आता है कास्ट सिस्टम की बात करें तो प्रेवलेंट था, सोसाइटी कैसी थी, कास्ट सिस्टम था डिवाइडेड इनटू फोर वर्णास विद द सब कास्ट, वुमेन का स्टेटस डिक्लाइंड, सती प्रथा आपको देखने को मिलती है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन द विडो रीमैरिज, ये यहाँ पर आप कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति खराब होती जा रही है। हर्षा शिफ्टेड फ्रॉम शिवा वर्शिप टू महायान बुद्धिज्म और टॉलरेंट टू अदर फेथ्स, तो ये दो देखो अब यहाँ पर ये चीज भी कहाँ से पता लगती है, ह्वेनजांग के रिकॉर्ड से, के महायान बुद्धिज्म को अपना रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हिंदू हिंदुइज्म भी फ्लरिश कर रहा है, ठीक है, तो लगभग लगभग हिंदुइज्म जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है यहाँ पर तीनों फ्लरिश कर रहे हैं। हेल्ड ग्रैंड असेंबली विद ह्वेनजांग, ठीक है, ह्वेनजांग के साथ एक बहुत बड़ी असेंबली करी जिसमें बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स बुलाए गए, ये जनरली आपका कहाँ पर होता था, प्रयागराज में होता था, और हेल्ड एवरी फाइव ईयर्स एट अलाहाबाद एक्सटेंसिव चैरिटी इवेंट्स, हर पाँच साल में अलाहाबाद में या प्रयागराज में बहुत बड़ा इवेंट होता था, बहुत सारे स्कॉलर्स आते थे, बहुत सारे लोग आते थे, बहुत बड़े लेवल पर चैरिटी की जाती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये भी कहा जाता है कि एक बार इवेंट में जब उनके पास सब कुछ खत्म हो गया, जब सब कुछ डोनेट कर दिया, आखिरी में उन्होंने अपने कपड़े तक भी डोनेट किए, ये बात भी कही जाती है हर्षवर्धन के बारे में। ओके, मार्क द बिगिनिंग ऑफ फ्यूडलिज्म, यहां पर लैंड ग्रांट्स दी जा रही हैं, जब आप किसी व्यक्ति को उसकी सैलरी के बजाय लैंड ग्रांट्स देंगे, धीरे धीरे फ्यूडल लैंडलॉर्ड होगा, उसका एरिया बढ़ता जाएगा, जैसे ही सेंटर में कह लीजिए जो राजा है कमजोर पड़ेगा, ये फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स अपने आप में इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना शुरू कर देंगे, जो कि उसके बाद हुआ भी। वीकेंड एम्पायर, कॉन्स्टेंट बैटल्स विद द लोकल फ्यूड्स ड्यू टू डिसेंट्रलाइज सिस्टम, यही कारण भी बना डिक्लाइन का, और एम्पायर कलैप्स्ड आफ्टर हर्षवर्धन्स डेथ, ठीक है, जिसके बाद आपकी वर्धन डायनेस्टी खत्म हो गई, उसके बाद आपका ट्रिपेटाइट स्ट्रगल शुरू होता है। पलवाज, अब हम चलते हैं साउथ की तरफ, ठीक है जी, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो प्रेजेंट डे आपका कह लीजिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का रीजन है, वहाँ पर आपको पलवाज मिलते हैं। हमने संगम एज के बारे में पढ़ा था, संगम एज के बाद हमने देखा कालबरहास का रूल आता है, कालबरहास के बाद आपका आता है पलवाज, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है पल्लवा डायनेस्टी, सो 3rd to 9th century CE, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि ये कैसे याद किया जाएगा या कैसे याद होगा, आपको ये समझना है कि यूपीएससी क्यों फोकस कर रहा है। मैं बार बार इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूं, हमारी हिस्ट्री बहुत ज्यादा दिल्ली सेंट्रिक है, हमारी हिस्ट्री बुक्स बहुत ज्यादा दिल्ली सेंट्रिक हैं, कहीं ना कहीं शेरशाह सूरी, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट वन पर्टिकुलर रूलर, बट एक एग्जाम्पल के लिए लगभग 5 साल रूल किया, बट सबको पता है यहां पर एक डायनेस्टी है जो लगभग 600 साल रूल करके गई है, अहोम डायनेस्टी है असम में जो 600 साल रूल करती है, विजयनगर एम्पायर है जो लगभग 300 साल रूल करता है, उसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक कह लीजिए एक विचित्र बात है, एक डिलेमा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, के जो छोटे छोटे कह लीजिए एम्पायर हैं जो दिल्ली में रहा है उसके बारे में पता है, बट जो बड़े एम्पायर्स दशकों क्या सेंचुरीज तक रहे हैं उनके बारे में नहीं पता। अब यहां पर आई होप आपको इसकी रेलेवेंस समझ आएगी। साउथ इंडिया, ठीक है जी, प्रेजेंट डे तमिलनाडु, ओरिजिन्स इसके बहुत अनक्लियर हैं, और पॉसिबली आंध्र प्रदेश से शुरुआत हुई, मेजर साउथ इंडियन डायनेस्टी विद सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल सोशल एंड कल्चरल इंपैक्ट। अब इसका सोशल कल्चरल इंपैक्ट क्या है ये हम आगे देखेंगे, कितना इंपॉर्टेंट है पल्लवास उसको समझेंगे, ठीक है। ओके, अर्ली पल्लवास की बात करें तो फाउंडेड बाय सिम्हा वर्मा, ठीक है जी, सिम्हा वर्मा, और रीच्ड अ पीक अपने आफ्टर शिव स्कंद वर्मन, अर्ली 4th century CE, जिसका टेरिटरी था कृष्णा से पेन्नार रिवर तक, ठीक है, पेन्नार रिवर तक, कह लीजिए प्रेजेंट डे आपका जो तमिलनाडु का रीजन है, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट, कुछ पार्ट्स ऑफ कर्नाटका भी आ गया इसमें, लास्ट किंग है नंदी वर्मन, ठीक है जी, और उसके बाद आपका कालबरा जो है इन्वेजन होता है, ठीक है। इसमें आपको ये सीक्वेंस बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं उस पर आपको फोकस करूँगा। सिम्हा विष्णु, ठीक है, डिफीटेड कालबराज, इंपीरियल एज शुरू होती है 6th to 9th century CE, ठीक है, मतलब बीच में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आता है जिसमें कालबराज दोबारा से है, फिर कालबराज को हराया गया, और कालबराज के रूल के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है। नरसिम्हा वर्मन ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये व्यक्ति, ठीक है,
ग्रेटेस्ट पलवा किंग, इन्होंने अपने लिए एक टाइटल अडॉप्ट किया महामल्ला, और यहीं से महामल्लापुरम, ठीक है, महाबलीपुरम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर, वो देखेंगे उसके बारे में। कॉन्टिन्यूड पल्लवा चाणुक्य कन्फ्लिक्ट, यहाँ पर एक तरफ चाणुक्य है और एक तरफ पल्लवाज है, इनका आपस में कन्फ्लिक्ट चलता रहा, ठीक है, मतलब अब जो है एक दूसरे को कह लीजिए एक दूसरे की टेरिटरी पे इंक्रोच करते रहे ये लोग लगातार। श्रीलंकन एक्सपीडिशन टू रीइंस्टेट मनावर्मन, अब देखो तमिलनाडु जो है यहां पर चाहता है कि यहां पर कंट्रोल रहे श्रीलंका पर भी, ठीक है, ओके। बिल्ट महामल्लापुरम एंड द मोनोलिथिक रथ्स, ठीक है, तो यहां पर ये जो मोनोलिथिक रथ जो डेवलप किए गए, और आपका इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे महाबलीपुर के बारे में। महिंद्रा वर्मन टू शॉर्ट रेन किल्ड बाय चाणुक्य किंग, ठीक है जी। नरसिम्हा वर्मन टू, यहां पर वो टाइटल रहते हैं राज सिम्हा का, पीसफुल रेन रहा। शोर टेंपल और कैलाशनाथ टेंपल बनाया, ठीक है, शोर टेंपल और कैलाशनाथ टेंपल। कुछ साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जो है इन्वाइट किया था शी जिनपिंग को, चाइना के राष्ट्रपति को, यहीं पर इनवाइट किया था महाबलीपुरम में, शोर टेंपल में, ठीक है। सो फ्लरिशिंग मैरीटाइम ट्रेड, मैरीटाइम ट्रेड बहुत फ्लरिश किया साउथ ईस्ट एशिया के साथ, वेस्टर्न कोस्ट के थ्रू, आप कह सकते हैं अरब के साथ भी। नंदी वर्मन की बात करें तो डिवोटी ऑफ विष्णु, पैटर्न ऑफ लर्निंग, और इन्होंने वैकुंठ पेरुमल टेंपल जो है बिल्ड करवाया, और उसके बाद जो है अटैक बाय चाणुक्यास, पांड्यास, गंगाज, राष्ट्रकूट, धीरे धीरे डिक्लाइन शुरू होता है, और फाइनली द लास्ट पल्लवा किंग डिफीटेड बाय द चोलाज, पल्लवा रूल खत्म होता है और चोलाज का दोबारा उदय होता है। फिर चोला जो है एक बहुत बड़ा एम्पायर डेवलप करते हैं, ठीक है। रिसेंटली चोलास की राइज को लेकर एक सीरीज भी आई है, एक मूवीज की सीरीज भी आई है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में मेरे को उसका नाम बताना, ठीक है, जिसमें बहुत फेमस एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय भी उसमें हैं। ओके, शोर टेंपल महाबलीपुरम, तो यहाँ पर आप देख लीजिए शोर पे, ठीक है, ये आपका कहाँ पर है, तमिलनाडु में। सो शोर टेंपल महाबलीपुरम, नेक्स्ट आपका आता है कैलाशनाथ टेंपल, ठीक है, कैलाशनाथ टेंपल। खास बात क्या है, सिंगल जो है एक रॉक से कट करके बनाया गया है। देखो शुरुआत में सबसे पहले क्या बने, केव टेंपल, ठीक है, बहुत बड़ा मतलब कह लीजिए पत्थर है, उसमें आपने तोड़ के गुफा बनाई, गुफा में आपने एक टेंपल बनाया। फिर धीरे धीरे क्या किया कि पूरे के पूरे पत्थर को अलग अलग से तोड़ के जो है पूरा का पूरा टेंपल बना दिया आपने, ठीक है। फिर इवेंचुअली आपका कैसे होता है कि आप एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, दीवार खड़ी करते हैं, पूरा टेंपल बनाते हैं। तो ये एक कह लीजिए सीक्वेंस है, ठीक है, सबसे पहले केव टेंपल बने, फिर रॉक कट आर्किटेक्चर, मतलब आपने पूरे के पूरे पत्थर को काट कर एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। एक हो गया कि बेस से आपने पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया, ठीक है, बाद में चलकर ये जो आज के समय पर हम करते हैं, ठीक है। कैलाश नाथ टेम्पल, सो कांची कैलाश नाथ टेम्पल इज द मोस्ट सीजन स्ट्रक्चर इन द कांचीपुरम, और तमिलनाडु में सिचुएटेड है, हिंदू टेम्पल है, और ये जो है डेडिकेटेड किया जाता है लॉर्ड शिवा को, ठीक है, लॉर्ड शिवा को ये डेडिकेट किया जाता है। अब इसको याद रखने का, कैलाशनाथ कांची, ठीक है, बहुत सिमिलर साउंडिंग है, और शोर पर, ठीक है, कह लीजिए महाबली, यहाँ पर समुंदर है, तो यहाँ पर इस पूरे के पूरे कह लीजिए मंदिर को किसने एस्टेब्लिश किया, महाबली ने, ठीक है, हनुमान जी ने जो है एस्टेब्लिश किया, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अच्छा, अब प्लीज डोंट कंफ्यूज द, यहां पर जो कैलाश नाथ टेंपल है, एक आपका कैलाश टेंपल है एलोरा केव्स में भी, ठीक है, अजंता एलोरा केव्स, एलोरा केव्स में भी कैलाश टेंपल है, ये भी आपका एक पूरा का पूरा रॉक को कट करके बनाया गया है। तो इसके साथ साथ थोड़ा सा हम अजंता एलोरा केव्स भी देख लेते हैं, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें चाणुक्यास का भी यहां पर रोल आता है। तो अजंता केव्स कहां पर है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, प्रेजेंट डे ये नॉर्थ वेस्ट ऑफ औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका मतलब कह लीजिए कंस्ट्रक्शन कब हुआ, सेकेंड सेंचुरी BCE, बिफोर कॉमन एरा से 6th century AD, लगभग 800 सालों में ये बना है, ठीक है, 800 सालों में, मतलब धीरे धीरे करके ये बना है, ठीक है जी। और 30 केव्स आपको मिलती हैं विद वन इनकम्प्लीट, चार इसमें चैत्यास हैं, रेस्ट विहार हैं। चैत्यास क्या थे, असेंबली हॉल्स जहां पर प्रेयर वगैरह हो रही है, विहार क्या है, रहने की जगह है, ठीक है जी। यहां पर देख लेते हैं, कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 6th century AD टू 10th century AD, मतलब ये बाद में जब ये कंप्लीट हो गया है
उसके बाद आप कह सकते हैं पहले अजंता बना है फिर एलोरा केव्स बना है। ओके और इसमें अगर हम देखें तो 100 केव्स हैं विद 34 ओपन फॉर द पब्लिक। केव 10 इज द ओनली चैत्य, बाकी सारे क्या हैं विहार्स हैं। केव 10 में चैत्य मतलब जैसे मैंने आपको कहा असेंबली हॉल, और विहार जो है जहां पर जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते हैं। विहार शब्द से ही बिहार शब्द बना है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, ठीक है। ये इसको बनाने में सत्वहनास का रोल रहा, वकटकास का रोल रहा और चालुक्यास का रोल रहा। इसमें अब क्या हो चुका है, अब ये 6th century ऑनवर्ड्स है, तो इसमें राष्ट्रकूट हैं, कालचुरीज हैं, चालुक्यास हैं, यादव्स हैं, ठीक है। नॉट यादव डायनेस्टी, सुवेना डायनेस्टी जो है ये आपका प्रेजेंट जो महाराष्ट्र वाला रीजन है, ठीक है। पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर और स्कल्पचर्स आपको मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। मूर्तियाँ मिलती हैं, आर्किटेक्चर मिलता है, पेंटिंग्स मिलती हैं। इसमें आपको स्पेसिफिकली आर्किटेक्चर और स्कल्पचर्स मिलते हैं, स्पेशली द कैलाशनाथ टेम्पल। सो डोंट कन्फ्यूज दिस टेम्पल विद द कांची वाला टेम्पल, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। अब ये भी इसके इसकी खास बात क्या है, देखो इसकी खास बात ये है कि पूरा का पूरा टेम्पल आप देखो कि जो है ये डेवलप किया गया है आपका एक सिंगल रॉक से कट करके। 400 साल लगे हैं लगभग इसको डेवलप होने में, ठीक है। इसको लगभग 800 साल लगे हैं और इसको लगभग 400 साल लगे हैं, 400 से 500 साल। 2nd century BCE हीनयान फेज था और 5th-6th century AD में महायान फेज था, ठीक है जी। यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको एक पर्टिकुलर फेज जो है हिंदू फेज मिलता है, उसके बाद बुद्धिस्ट फेज मिलता है, और एक जो है आपको हिंदू और जैन फेज मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अजंता केव्स में आपको मेनली बुद्धिज्म और एलोरा केव्स में आपको हिंदू हिंदुइज्म जैनिज्म बुद्धिज्म तीनों का जो है कह लीजिए एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है, तीनों के फेज देखने को मिलते हैं। तो कैलाशनाथ टेम्पल जो है अगर हम बात करें लोकेटेड इन एलोरा केव्स नियर औरंगाबाद, मोनोलिथिक टेम्पल है, ठीक है, एक सिंगल रॉक को कट करके वो कार्व्ड आउट ऑफ सिंगल रॉक डेटिंग बैक टू 8th century AD। द टेम्पल आर्किटेक्चर इंक्लूड्स गोपुरम। अब ये गोपुरम क्या है ये हम आगे आज के ही सेशन में समझेंगे जब हम नागर स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल, वेसार स्टाइल डिस्कस करेंगे, उसमें हम इसको समझेंगे। नंदी मंडप, पिल्लर्स, कार्विंग्स जो है डिपिक्टिंग हिंदू गॉड्स एंड एपिक्स, ये आपको कैलाश टेम्पल में देखने को मिलता है जो एलोरा केव्स में है, ठीक है। चलिए एक और फोटोग्राफ देख लीजिए, ये भी आपका एक बेहतरीन फोटोग्राफ है जस्ट इसको शो करने के लिए। ओके सो पल्लवास, पल्लवास के बारे में दोबारा वापिस आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को देख लेते हैं। किंग हेल्ड द अल्टीमेट पावर, ठीक है, धर्म महाराज का टाइटल सिग्निफाई करता है इस चीज को। स्टेट को डिवाइड किया गया है कोटम्स में, एक केरल में एक जगह भी है कोटायम, ठीक है कोटायम। सो कोटम्स गवर्न्ड बाय रॉयल अपॉइंटिस। विलेज जो है फाउंडेशन है, मतलब विलेज के बाद आपका जो है कोटम्स की बात कर रहे हैं। डिफरेंट विलेज टाइप में आपको अलग अलग तरीके के विलेजेस मिलते हैं, मिक्स्ड अलग अलग जातियां भी रह रही हैं। एक तरफ ब्रह्मदेयस हैं, ठीक है, जिसमें ब्राह्मण्स हैं, और एक है आपका देवदान, ठीक है। देवदान जो है वो देवों को जो डेडिकेट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए डोनेटेड टू ब्राह्मण्स ब्रह्मदेया, देवदान डोनेटेड टू गॉड्स, और अग्रहार जो है वो सेटलमेंट है किसकी, प्रीस्ट की। तो ये भी आपका सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये जो लैंड डोनेट की गई है टेंपल्स और टू द टेंपल्स एंड मोनेस्ट्रीज, इसका मकसद क्या है, नॉर्मल टेनेंसी, और यहाँ पर टेंपल के पास पूरा का पूरा उस जगह का राइट है, लैंड टैक्स फ्री लैंड है ये, ठीक है जी, जिसमें कि वो अनपेड लेबर भी करवाते हैं जिसका नाम है विष्टि। ये आपका क्वेश्चन अगेन पूछा गया है, सीधा सीधा क्वेश्चन, अनपेड लेबर को क्या बोलते हैं। रिलीजियस सर्विस टू द टेम्पल फ्रॉम द टिलर्स ऑन द डोनेटेड लैंड, ठीक है। तो जो खेत जोतने वाले हैं उनसे अनपेड लेबर कराई जाती है, ठीक है, उसका नाम क्या है, विष्टि। उनको उसके लिए कुछ पैसा नहीं मिलता है। यहां पर आपको स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन, अब ये बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ चुकी है कि एफिशिएंसी पे फोकस करना है, तो पूरा का पूरा परिवार एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये सीधा सीधा कास्ट सिस्टम से भी जुड़ा हुआ है। पॉटर्स, वीवर्स, सेमी ऑटोनमस यूनिट्स के रूप में जो गांव है काम कर रहे हैं, ठीक है। लैंड रेवेन्यू प्राइमरी इनकम सोर्स है, प्रोफेशंस पर, मैरिजेस, गुड्स, लाइफ स्टॉक, इन सब पे टैक्सेस लगाए जाते हैं। प्रॉस्पेरिटी की जहां तक हम बात करें तो हार्ड वर्किंग पॉपुलेशन है, फर्टाइल लैंड है, फेयर वेजेस मिल रहे हैं, ट्रेड बहुत अच्छा है, तो प्रॉस्पेरिटी अच्छे लेवल की यहां पर आपको देखने को मिलती है। ओके, पल्लवा रिलीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बुद्धिज्म जैनिज्म का प्रेजेंस मिलता है। हुआनजांग के जो अकाउंट्स हैं उनमें लिखा गया है कि बुद्धिज्म जैनिज्म बहुत अच्छे से प्रमोट हो रहा है, बट यहाँ पर जो राजा हैं वो वैष्णविज्म और शैविज्म, ठीक है, विष्णु भगवान और शिव भगवान दोनों को जो है फॉलो करते हैं।
वैदिक सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किए जाते हैं राजाओं के द्वारा, जिसमें इंडिकेटिंग अ शिफ्ट टुवर्ड्स अ वैदिक रिलीजन। अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय, ठीक है, ये जो कह लीजिए यज्ञ है ये आप पर हो रहे हैं। डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है ये देखने को मिलता है, क्योंकि ज्यादा सपोर्ट हिंदुइज्म को मिल रही है। बट ऐसा नहीं है कि बुद्धिज्म या जैनिज्म यहाँ पर फ्लरिश नहीं कर रहे, या फिर कह लीजिए जो है बहुत ज्यादा उनको मतलब खत्म करने की कोशिश की जा रही है, साथ साथ में वो सर्वाइव कर रहे हैं। राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट इन द 7th सेंचुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी में जो है भक्ति मूवमेंट का जो है स्टार्ट होना शुरू हो गया। इवेंचुअली ये भक्ति मूवमेंट आपका नॉर्थ इंडिया में आएगी बहुत दशकों बाद, सेंचुरीज के बाद। फिर नॉर्थ इंडिया में आपको भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट देखने को मिलता है। ये अलग से हम जो है मेडिवल हिस्ट्री के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है नयनार्स जो कि शैविज्म को फॉलो करते हैं, नयन से याद रखना। तो तीसरी आँख किसकी है? भगवान शिव की। तो तीसरी आँख शिव, तो नयन, नयन से शिव, ठीक है, तीसरी आँख, ठीक है, शैविज्म। दूसरा हो गया अलवर्स, ये हैं भगवान विष्णु के फॉलोअर्स। सो फर्दर स्ट्रेंथनिंग ऑफ वैदिक ट्रेडिशन बाय शंकराचार्य, अद्वैत फिलोसफी, अद्वैत। द्वैत क्या होता है? डुअलिज्म, ठीक है, डुअलिज्म मतलब हम अलग हैं, गॉड अलग है, ठीक है। एक आया अद्वैत फिलॉसफी शंकराचार्य की, ठीक है, एक आया विशिष्ट अद्वैत। तो अद्वैत क्या कहता है? अद्वैत ये कहता है कि हम सब उसी का पार्ट हैं, ठीक है, चलो देख लेते हैं। सो द्वैत क्या है? गॉड या स्पिरिट वो अलग है और मटीरियल रियलिटी अलग है। इंडिविजुअल सोल्स आर रियल, जो हम हमारी इंडिविजुअल सोल्स है रियल हैं और ये सेपरेट हैं गॉड से, अलग हैं भगवान से। यहाँ पर शंकराचार्य क्या कहते हैं? हम सब जो है उस ईश्वर का ही हिस्सा है। सो गॉड स्पिरिट, सो मटीरियल रियलिटी, देर इज वन इनकम्पेसिंग सोल, इंडिविजुअल सोल्स आर नॉट रियल, इंडिविजुअल सोल्स रियल नहीं हैं, हम सब उसी का पार्ट हैं, ठीक है। ओके, विशिष्ट अद्वैत क्या कहता है? कि एक भगवान गॉड, सो मटीरियल रियलिटी, इंडिविजुअल सोल्स क्वालिफाइड हैं, क्वालिफाइड का मतलब इंडिविजुअल सोल्स अलग अलग हैं, विशिष्ट हैं, ठीक है, बट अल्टीमेटली हैं उस भगवान का पार्ट ही, ठीक है। उसके बाद आपका अगर हम देखें सांख्य फिलॉसफी आती है। सांख्य फिलॉसफी क्या कहता है? इंसान के दो हिस्से हैं, ठीक है, एक शरीर है जो कि मटीरियल रियलिटी है और एक आत्मा है जो कि परमात्मा का पार्ट है, ठीक है। सो गॉड स्पिरिट, सो लिविंग बीइंग्स, मटीरियल रियलिटी, दो हिस्से हैं, मैटर एंड कॉन्शियसनेस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। दूसरा जो है नास्तिक। अच्छा, नास्तिक शब्द जो है बहुत सारे हमें लगता है आज के समय पर जो हम नास्तिक वर्ड की कह लीजिए कॉनोटेशन समझते हैं कि जो भगवान में विश्वास नहीं करता वो नास्तिक है, ऐसा नहीं था। नास्तिक शब्द का अगर आप लिटरल मीनिंग देखेंगे, जो वेदों में विश्वास नहीं करता या सिंपली कहें तो हिंदुइज्म में विश्वास नहीं करता, उसको नास्तिक कहा गया, ठीक है। तो नास्तिक जो है, जो फिलॉसफी, जो हेट्रोडॉक्स फिलॉसफी है लाइक बुद्धिज्म जैनिज्म, ठीक है, उनको नास्तिक कहा जाता है। तो ये क्या कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, देर आर नो सोल्स, कॉन्शियसनेस इज अ फंक्शन ऑफ मैटर, ठीक है, मटीरियल रियलिटी है, बिल्कुल सच है, कोई सोल का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। तो ये जो है अलग तरीके से बात करते हैं। तो हमने द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, सांख्य फिलॉसफी और जो है नास्तिक के बारे में बात कर ली है। ओके, पल्लवास कॉन्ट्रीब्यूशन टू लर्निंग एंड लिटरेचर, यहाँ पर कांची यूनिवर्सिटी को बहुत प्रमोट किया गया, ठीक है, सेंटर ऑफ लर्निंग अट्रैक्टिंग स्कॉलर्स फ्रॉम अक्रॉस द इंडिया एंड अब्रॉड, संस्कृत लिटरेचर को यहाँ पर पल्लवास के समय पर संस्कृत लिटरेचर, हिंदुइज्म को प्रमोट मिल रहा है, वैदिक लिटरेचर को, तो संस्कृत को भी बहुत प्रमोशन मिला, ठीक है। कृतार्जुन्यम, कृतार्जुन्यम हमने डिस्कस किया था लास्ट वाले सेशन में, जून्यम, जून, भरावी, ठीक है, ठीक है, भारवी या भरावी, ठीक है, दस कुमार चरिता, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स यहाँ पर लिखी गई, ऑल्सो थ्राइव्ड की फिगर्स लाइक थिरुवल्लूर, कुराल। तो थिरु का मतलब होता है श्री, ठीक है, श्री, ठीक है, श्री, जो हम नॉर्थ में, नॉर्थ इंडिया में श्री वर्ड यूज करते हैं। ओके, पेरुंदवनार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेरुंदवनार, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने महाभारत का ट्रांसलेशन किया तमिल में, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका, ठीक है, देव लोग जो है कहाँ पर चले गए महाभारत को ट्रांसलेट करने के लिए? पेरू में, पेरू से कोल्ड करंट आता है, ज्योग्राफी का कंसेप्ट है, हम्बोल्ट करंट, कोल्ड करंट, और जो कि इंडियन मॉनसून को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि वहां पर महाभारत ट्रांसलेट हुई तमिल में, पेरू में जाकर कोल्ड करंट है, उसको इंडियन मॉनसून, तो दो दो कंसेप्ट मैंने यहाँ पर मिक्स कर दिए हैं, कम से कम आपको पेपर में स्ट्राइक कर जाए अगर क्वेश्चन पूछता तो। ओके, नयनार्स
सो थेवरम, ठीक है जी, और अलवर्स हो गया नल्यार दिव्य प्रबंधम, ये हम अलग से सेशन में करेंगे जब हम भक्ति एंड सूफी मूवमेंट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन भक्ति सूफी मूवमेंट से लगभग तय है कि पूछा जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है डिवोशनल म्यूजिक, यूज ऑफ म्यूजिक डांस टू प्रमोट भक्ति कंसेप्ट, ये आपका देखने को मिलना शुरू हो चुका था। भक्ति मूवमेंट में खास बात क्या है, म्यूजिक को यूज किया जा रहा है, ठीक है। भजन, जो कीर्तन भजन की हम बात करते हैं, ये आपको भक्ति मूवमेंट से ही शुरुआत होती हुई मिलती है। नेक्स्ट आपका रिलीजियस रिवाइवल स्पर्ड आर्किटेक्चरल एक्टिविटी, जो मैंने आपको बताया आर्किटेक्चरल एवोल्यूशन कैसे होता है, पहले केव टेंपल आए, ठीक है, गुफाओं में टेंपल्स बनने शुरू हुए, फिर मोनोलिथिक रथ्स बनने शुरू हुए, और उसके बाद आपके स्ट्रक्चरल टेंपल जो है, मतलब कहले बेस से टेंपल खड़ा होना शुरू हुआ। फाइव रथ ममल्लापुरम में आपको देखने को मिलता है, शोकेस डाइवर्स आर्किटेक्चरल स्टाइल, ठीक है। पंच पांडव भी इसको कहा गया, ठीक है, पांच रथ आपको देखने को मिलते हैं, और कैलाशनाथ टेम्पल कांची में, शोर टेम्पल ममल्लापुरम में, ये ऑलरेडी हम चर्चा इसके बारे में कर चुके हैं। इट इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चरल अचीवमेंट ऑफ पल्लवाज आर्ट, ठीक है, पल्लव आर्ट की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट जो है कैलाशनाथ टेम्पल मानी जाती है। इसके अलावा एक्विजिट वर्क्स ऑन मंडप वॉल्स, जो वॉल्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा चित्रकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, लाइक द डिसेंट ऑफ गंगा, ठीक है, डिसेंट ऑफ गंगा ममल्लापुरम में, ये जो है इसको अर्जुन का पश्चाताप भी कहा जाता है। गंगा नदी जो है यहाँ पर कहाँ पर आ रही है, धरती पर आ रही है, इस पूरे के पूरे सीन को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। डिसेंट ऑफ द गंगा इज अ मॉन्यूमेंट एट द ममल्लापुरम, ठीक है, या फिर महाबलीपुरम। इसके अलावा पेंटिंग्स एविडेंस फाउंड इन द शीतन वासल केव्स, ठीक है, शीतन वासल केव्स में यहां पर आप देख सकते हैं गौतम बुद्धा को शो किया गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है, सो पल्लवा की लेगेसी की अगर हम बात करें तो टॉर्च बियरर ऑफ हिंदू कल्चर इन द साउथ एशिया, जो है साउथ ईस्ट एशिया, और आगे चलकर चोलास भी हिंदू कल्चर को साउथ ईस्ट एशिया में लेकर जाते हैं, जो आज के समय पर हम इंडोनेशिया में भी देखते हैं, मलेशिया में देखते हैं, कंबोडिया में तो अंकोरवाट टेंपल जो बहुत बड़ा हिंदू टेंपल माना जाता है, किसी समय पर कहा जाता था कि हिंदुइज्म में हिंदू टेंपल जो सबसे बड़ा हिंदू टेंपल कंबोडिया में, ठीक है, अंकोरवाट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कह सकते हैं पल्लवास, उसके बाद चोलास जो हैं साउथ ईस्ट एशिया में भी हिंदू कल्चर को लेकर जाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपका चाणक्य डायनेस्टी, ठीक है, चाणक्य डायनेस्टी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वेस्टर्न चाणक्यस, ईस्टर्न चाणक्यस, ठीक है, थ्री ब्रांचेस हैं। सो बदामी चाणक्यस अर्लीस्ट रूल्ड फ्रॉम बदामी मिड सिक्स सेंचुरी ऑनवर्ड्स, ठीक है, सो मिड सिक्स सेंचुरी ऑनवर्ड्स जो है ये आपका डेवलप होने शुरू हुए, बदामी या वतापी भी कहा जाता है। ईस्टर्न चाणक्य एस्टेब्लिश्ड आफ्टर पुलकेशिन टू'स डेथ, रूल्ड फ्रॉम वेंगी। अब ईस्टर्न चाणक्यस ये जो प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश है, कोस्टल आंध्रा है, ठीक है, वेंगी में उनकी कैपिटल है और वहां से वो रूल करना शुरू करते हैं, और यही जो है ईस्टर्न चाणक्यस इवेंचुअली तेलुगु लिटरेचर को बहुत ज्यादा डेवलप करते हैं, ठीक है। वेस्टर्न चाणक्यस की बात करें, बाद में फिर रिवाइवल होता है, ठीक है, डिसेंडेड फ्रॉम बदामी चाणक्यस रूल्ड फ्रॉम बासव कल्याण, ठीक है, बासव कल्याण ये हो गया प्रेजेंट डे आपका 10th to 12th century प्रेजेंट डे कर्नाटका वाला रीजन, बासवराज बोम्मई, अभी इससे पहले कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, तो बासवराज उसे याद रखना, बासव कल्याण, ठीक है। आगे चलकर हम बासवन्ना की भी बात करेंगे, जब भक्ति मूवमेंट की बात करेंगे तो बासवन्ना की, लिंगायत्स की बात करेंगे। ओके, राइज एंड डिमाइज, सो गेन एंड प्रोमिनेंस अंडर बदामी चालुक्य किन पुलकेशिन टू, मैंने आपको बताया था पुलकेशिन टू जो है वो हराते हैं किसको, हर्षवर्धन को, ठीक है जी, जो कि आई होल इंस्क्रिप्शन में मेंशन भी किया गया है। ईस्टर्न चाणक्य इमर्ज्ड आफ्टर पुलकेशिन टू'स डेथ, वेस्टर्न चाणक्य डोमिनेंस इक्लिप्स्ड बाय राष्ट्रकूट इन 8th century, ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, वेस्टर्न चाणक्य को ओवरपावर कौन कर लेते हैं, राष्ट्रकूट की फिर लड़ाई चलती है गुज्जर प्रतिहार से, पाल एम्पायर से, कन्नौज को लेकर, ठीक है, फिर राष्ट्रकूट का डिक्लाइन होता है, फिर दोबारा से जो है वेस्टर्न चाणक्य इमर्ज होते हैं 10th to 12th century। तो ये बेसिकली ऐसे समझो कि एक पूरा का पूरा पीरियड चल रहा है, ठीक है, जिसमें हमने सतवाहनास की बात करी थी, ठीक है, सतवाहनास के बाद जो है हमने यहाँ पर जो है वकाटकास को देखा, और उसके बाद जो कि पैरेलली हम कह सकते हैं गुप्ता के समय पर, उसके बाद हम चाणक्यास को देख रहे हैं। चाणक्यास के बाद जो है आपका दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, वेस्टर्न और ईस्टर्न चाणक्यास, वेस्टर्न चाणक्यास को फिर जो है राष्ट्रकूट करते हैं, फिर राष्ट्रकूट डिक्लाइन होता है, फिर वेस्टर्न चाणक्यास आते हैं।
तो ये एक पूरा का पूरा सीक्वेंस है, ये आपको थोड़ा सा दिमाग में बिठाना है, ठीक है। सत्वाहनास काकतीयास, देन आपका चाणक्यास, चाणक्यास वेस्टर्न चाणक्यास, राष्ट्रकूट, फिर वेस्टर्न चाणक्यास है। ओके ओके, नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ द चाणक्य डायनेस्टी, मार्क द गोल्डन एज इन द सदर्न इंडिया। अब देखो ये खास क्यों है, ये जो सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है ये क्यों डेवलप होता है और नदरन पार्ट जो है क्यों डेवलप नहीं हो पाता है। अब हर्षवर्धन के बाद आप देखेंगे कॉन्स्टेंट डिक्लाइन है, मतलब नॉर्थ वेस्ट में, खैर ये आपको कहानी मिलती है मौर्यस के समय से ही, इंडो ग्रीक्स आ गए, ठीक है, हमने पढ़ा इंडो पार्थियंस हैं, इंडो शाक हैं, ठीक है। अब वहाँ पर एक कांस्टेंट इन्वेजन चल रहा है, ठीक है, कांस्टेंट लड़ाई चल रही है, उसके बाद आपका इस्लामिक जो है इन्वेजन्स होते हैं। साउथ में कंपैरेटिवली स्टेबिलिटी है क्योंकि समुंदर को क्रॉस करके एकदम हमला करना बड़ी आर्मी को लेकर ये मुश्किल है, तो यहाँ पर और ट्रेड हो रहा है, ठीक है। एक और चीज़ है, अभी आपके पास अब साउथ इंडिया का राइज करने का और रीज़न क्या है कि अगर आप साउथ इंडिया को देखेंगे तो जो साउथ ईस्ट एशिया है और अरब है, अभी तक ऐसे शिप्स नहीं बने हैं कि साउथ ईस्ट एशिया से चलकर वो सीधा अरब पहुंच जाए, ठीक है। इट इज़ लाइक जैसे हम आज के समय पर एक वर्ड यूज़ करते हैं पोर्ट ऑफ कॉल, ठीक है, एक बड़ा जहाज़ जब जाता है पानी का तो एक जगह रुकता है, जैसे हम गाड़ी पे जाते हैं तो पेट्रोल भरवाने के लिए एक जगह रुकते हैं हाईवे पे, ठीक है, वहाँ पे पेट्रोल डलवाते हैं फिर आगे जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही बड़ा शिप है, एक जगह रुकता है, वहाँ पर उसकी कह लीजिए मेंटेनेंस वगैरह होती है, फ्यूल जो है वो वहाँ पर उसको मिलता है, फिर वो आगे की जर्नी करता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था, ठीक है। तो साउथ ईस्ट एशिया और अरब को, इजिप्ट को, रोमन एम्पायर को, ये जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है एक तरीके से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, कनेक्टिंग पार्ट है ये, और यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है, और स्टेबल है, एग्रीकल्चर है, सारा कुछ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है, ये एक ग्रोइंग फेज में है, ठीक है। बाद में चलकर हम देखेंगे कि किस तरीके से विजयनगर एम्पायर जो है अपने पीक पर पहुंचेगा, ठीक है, 1336 में हरिहर बुक का। मैं थोड़ा आगे का आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये समझ आना चाहिए कि लगभग इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद नॉर्थ में एक डिक्लाइन देखने को मिलता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है, साउथ कंपैरेटिवली स्टेबल है, कंपैरेटिवली, ठीक है, तो वो जो है राइज कर रहा है और उसके राइज के पीछे और भी कारण है। चलो, सो गोल्डन एज इन द साउथ इंडिया, पर्टिकुलरली कर्नाटका, अशन इन द एरा ऑफ लार्ज एम्पायर्स रिप्लेसिंग स्मॉलर किंगडम्स, ठीक है। तो पहला साउथ इंडियन एम्पायर है जो कंसोलिडेट करता है कावेरी और नर्मदा रीजन को, क्योंकि इससे पहले हमने संगम एज में देखा था चोलास, चेरास, पांड्यास, ठीक है, छोटा छोटा एरिया है उनके पास, ये काफ़ी बड़े एरिया को कंसोलिडेट करता है, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन है, ओवरसीज ट्रेड है, विसार आर्किटेक्चर, ठीक है, नागर स्टाइल, ठीक है, सॉरी, नागर स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल को क्या करता है, ये फ्यूजन है उसका, बहुत बढ़िया से फ्यूजन है उसका। इसके अलावा राइज ऑफ कन्नड़ लिटरेचर, जैन, वीरशैव, ब्राह्मणिकल, ये आपको डेवलप होता हुआ मिलता है, ठीक है। इसके अलावा इमर्जेंस ऑफ तेलुगु लिटरेचर, ठीक है, तेलुगु लिटरेचर डेवलप होना शुरू हो गया ईस्टर्न चाणक्यस के उसमें, ठीक है, जो वेंगी में है, ठीक है, कोस्टल आंध्र, जो आज का आंध्र प्रदेश है, ठीक है, जो जहाँ की तेलुगु भाषा भी है। ओके, तो थोड़ा सा हम नागर और द्रविड़ स्टाइल के बारे में देख लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देखोगे नॉर्थ इंडियन स्टाइल और एक तरफ है साउथ इंडियन स्टाइल। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर थोड़ा सा आपको कर्व मिलता है, नॉर्थ इंडिया में जो टेंपल आर्किटेक्चर है ये आपको यहाँ पर कर्व मिलता है, इफ़ यू कैन सी ओवर हेयर, ठीक है। और अगर आप द्रविड़ स्टाइल में देखोगे तो ये आपको बिल्कुल यहाँ पर स्ट्रेट है, इसको विमान भी बोला जाता है, विमान, ठीक है। यहाँ पर क्या वर्ड यूज हो रहा है आपका, देखो ये है एक्सिस मुंडी, ठीक है, एक्सिस मुंडी मतलब बेसिकली गर्भगृह में जहाँ पर मूर्ति रखी गई उसके इर्द गिर्द है सारी चीज़ें, और ये आपका मंडप्स हैं, ठीक है, मंडप शो किए गए हैं। इवन जो प्रेजेंट आपका अयोध्या में मंदिर बना है उसको भी आप नेक्स्ट टाइम जब ध्यान से देखेंगे तो इससे आप इसको रिलेट करना, ठीक है, नॉर्थ इंडियन नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से। सो मंडप, ठीक है, देन उसके ऊपर आपका अमलक है, इमेज है, गर्भगृह है, और ये आपका एक प्लिंथ पे बनाया गया है। अब यहाँ पर आपको क्या मिलता है, साउथ इंडियन आर्किटेक्चर स्टाइल में विमान है, ठीक है, प्लिंथ है, बट इसके साथ साथ आपको गोपुरम भी मिलता है, पानी का टैंक भी मिलता है, ये देखो गोपुरम है, गोपुरम मतलब एंट्रेंस है और इसकी प्रॉपर बाउंड्री है और इसमें वाटर टैंक है। अब इसका लॉजिक समझो, साउथ इंडिया में बारिश कम है, ठीक है, सीजनल रेनफॉल, सीजनल रिवर्स हैं आपको मिलती हैं, तो पानी को स्टोर किया जाता है, टैंक इरीगेशन इसीलिए साउथ इंडिया में देखने को मिलता है। नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में नदियां हैं, ठीक है, पेरिनियल रिवर्स हैं, बारामासी रिवर्स हैं, पूरा साल बहती हैं,
तो बहुत ज़्यादा आपको पानी स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वाटर टैंक नहीं मिलता है, ठीक है, बाउंड्री नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये एक कुछ खास डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ का जो शिखर है कर्वीलीनियर है, जो अभी हमने डिस्कस किया, इसका पिरामिडल है शेप। पिलर्स डू नॉट प्ले इंपॉर्टेंट रोल एट टाइम्स कॉन्सिप्यूस बाय देयर एब्सेंस। टैंक एब्सेंट है, एनक्लोजर, ठीक है, क्लोज नहीं है, ठीक है, क्लोज नहीं है नॉर्थ इंडिया में। वास्तुशास्त्र, दीज टेम्पल्स आर कॉल्ड प्रसाद, दीज टेम्पल्स आर डिवाइडेड इनटू ट्रिपल वर्टिकल पार्ट्स। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, शिखर ये पिरामिडल हो गया, पिलर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आर्किटेक्चर, टैंक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जहां पर पानी को सेव किया जा रहा है, इनक्लोजर है, गोपुरम, गोपुरम मतलब गेट है, जो बेसिकली एंट्रेंस है, बकायदा एक अलग से एंट्रेंस है और उसको बहुत अच्छे से बनाया भी गया है, वो हम आगे देखेंगे। जैसे विरूपक्षा टेम्पल है, बहुत अच्छे से जो है एक एंट्रेंस डिजाइन किया गया है। दीज टेम्पल्स आर कॉल्ड विमान, दीज हैव सिक्स फोल्ड वर्टिकल पार्ट्स, ठीक है। तो कई सारे लेयर्स आपको कह लीजिए वर्टिकल पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं द्रविड़ आर्किटेक्चर में। ये एक बेसिक सा डिफरेंस है जो आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं इंस्क्रिप्शंस। मेन सोर्स बदामी केव इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, बदामी जो बेसिकली जगह है वेस्टर्न चालुक्यास की, ठीक है, बतापी बेसिकली। आईहोल रिकॉर्ड, कांची कैलाशनाथ इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका मेघूति टेम्पल और यहाँ पर आपका आईहोल इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। ट्रेवलॉग की अगर हम बात करें तो अकाउंट बाय ह्वेनज़ांग विजिटेड द पुलकेशिन टू कोर्ट, और लिटरेचर जो है अगर आपको देखने को मिलता है विक्रम देव चरिता बाय विद्यापति बिलहन, जो कि वेस्टर्न चालुक्यास के समय पर है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो विद्यापति विक्रम नाम थोड़ा सिमिलर साउंडिंग है वीवी, सो उससे आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। चालुक्यास ऑफ बदामी, ठीक है, 6th to 8th century, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फाउंडेड बाय पुलकेशिन वन, ठीक है, कैपिटल बतापी बदामी, प्रेजेंट डे कर्नाटका, मोस्ट पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। पुलकेशिन टू बड़ा एम्परर है, ठीक है जी, हर्षवर्धन को हराया, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी बात थी, साउथ इंडिया के एम्परर ने नॉर्थ इंडिया के इतने बड़े एम्परर को हरा दिया। और नर्मदा नदी जो है डिसाइड हुई, नर्मदा नदी डिसाइड हुई कि इसके ऊपर तुम्हारा एरिया है, इसके नीचे हमारा एरिया है, ठीक है। और वही मतलब ब्रॉडली कहा भी जाता है कि नर्मदा नदी जो है, नर्मदा और तापी बेसिकली दो पार्ट्स में जो है डिवाइड करते हैं नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। ब्रीफ डिक्लाइन आफ्टर पुलकेशिन टू, रिकवर्ड आफ्टर विक्रमादित्य वन, और पीक ड्यूरिंग विक्रमादित्य टू, ओवरथ्रोन बाय द राष्ट्रकूट, ठीक है, वेस्टर्न चालुक्यास को ओवरथ्रो किया, ठीक है, बतापी इज द कैपिटल। नेक्स्ट आता है चालुक्यास ऑफ कल्याणी, वेस्टर्न चालुक्यास, 10th to 12th century। अब ये देख लो, ये आपका, ठीक है, हाँ ये देख लो, ये हो गया आपका 6th to 8th century, ठीक है, 6th to 8th century। फिर आपका लगभग 200 साल का पीरियड है राष्ट्रकूट का, फिर दोबारा से वेस्टर्न चालुक्यास आते हैं। तो 200 साल आप मान के चलो कि ये जो है वहां पर रूल कर रहे हैं, ठीक है। रिवाइवल आफ्टर 200 ईयर रूल ऑफ राष्ट्रकूट, गोल्डन एज कन्नड़ लिटरेचर का, फाउंडेड बाय तलप टू, ठीक है, ओवर थ्रू राष्ट्रकूटास, और ठीक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाद में चलकर जो है ये फिर ये भी इसका भी डिक्लाइन होता है और 200 साल के बाद। और यहाँ पर होशियालाज, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होशियालाज की आर्किटेक्चर, होशियालाज के टेम्पल्स अभी रिसेंटली कहीं पर ऐड हुए हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना, अभी मैं अगले सेशन में बताऊंगा जब मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बट जिसको याद है प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना। काकतीयास सुवेना, ठीक है, यादवाज, ठीक है, यादवाज ऑफ देवगिरी, ठीक है, यादवाज ऑफ देवगिरी, और ये जो है कुछ छोटे छोटे कह लीजिए किंगडम्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं आफ्टर द जो है वेस्टर्न चालुक्यास डिजॉल्व्ड। और इन्हीं के बाद, ठीक है, होशियालास, काकतीयास और यादवास के बाद, ठीक है, लगभग 200 साल के बाद फिर जो है 1336 में कौन आता है, विजयनगर एम्पायर आता है, हरिहर एंड बुक्का, वो फिर पूरे के पूरे कह लीजिए सदरन इंडिया को दोबारा से कंसोलिडेट करते हैं, ठीक है, फिर वो जो है वहां पर चार डायनेस्टीज देखने को मिलती हैं। तो एक ओवरऑल अगर आप सीक्वेंस बनाएं, ठीक है, कि लाइक सतवाहनाज हैं, ठीक है, सतवाहनाज रहे, और उसके बाद जो है हमें वकाटकास मिलते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हमने जो है यहाँ पर चालुक्यास को देखा, वेस्टर्न चालुक्यास, ईस्टर्न चालुक्यास, फिर आपका राष्ट्रकूट आए, फिर वेस्टर्न चालुक्यास आए, फिर आपका होशियालाज आया, काकतीयास आए, यादवाज आए, फिर उसके बाद जो है आपको विजयनगर एम्पायर मिलता है, ठीक है। तो ये एक
पूरा का पूरा सीक्वेंस है साउथ इंडिया के, मेनली अगर हम कर्नाटका रीजन की बात करें, कर्नाटका महाराष्ट्र रीजन की बात करें। ओके, ईस्टर्न चालुक्य एस्टैब्लिश आफ्टर पुलकेशिन टू कॉन्केस्ट ऑफ ईस्टर्न डेक्कन, रूल्ड फ्रॉम बेंगी कोस्टल आंध्रा, ठीक है, बिकेम इंडिपेंडेंट। जब आपका देखो वेस्टर्न पार्ट जब डिक्लाइन होना शुरू हो गया, वेस्टर्न चालुक्यस का डिक्लाइन शुरू हो गया, तो ईस्टर्न चालुक्यस ने आपको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। रिवाइवल राउंड 1000 CE और इनिशियली प्रमोटेड कन्नड़, लेटर जो है वो तेलुगु लैंग्वेज में शिफ्ट होते हैं, ठीक है, तेलुगु लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं। साउथ इंडिया में डेवलप हुआ विसार स्टाइल, ठीक है, कर्नाटका का जो द्रविड़ स्टाइल था वो इमर्ज हुआ, ठीक है। तो टेम्पल आर्किटेक्चर ये अपना एक फ्यूजन क्रिएट करते हैं उस समय पर। कर्नाटका में द्रविड़ स्टाइल भी थोड़ा सा अलग है व्हाट वी फाइंड इन द तमिलनाडु, ठीक है, और यहाँ पर विसार स्टाइल भी डेवलप होता है। बदामी सॉरी पटाडकल आहल मूवमेंट मॉन्यूमेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि यहां पर आपका डेवलप होता है। फर्दर रिफाइनमेंट ऑफ विसार स्टाइल विद द्रविडियन इन्फ्लुएंस, तो द्रविड इन्फ्लुएंस ज्यादा है, बट एट द सेम टाइम नॉर्थ के भी फीचर्स इसमें ऐड हो रहे हैं। नोटेबल मॉन्यूमेंट्स हैं तुंगभद्रा कृष्णा रिवर का रीजन, और यही तुंगभद्रा कृष्णा रिवर का जो तुंगभद्रा का जो रीजन है, ये बाद में चलकर विजयनगर सिटी बनती है, विजयनगर एम्पायर की, ठीक है जी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दुर्गा टेम्पल है, लड़खन टेम्पल है, ठीक है, ये खान नहीं है, लड़खन है पूरा का पूरा नाम साथ में। मेघोदी टेम्पल है, हुचमली टेम्पल है, हुक्काप्पा टेम्पल है, बदामी केव टेम्पल है। तो ये सारे के सारे क्या मिल रहे हैं आपको, ये मिल रहे हैं चालुक्य का आर्ट स्ट्रक्चर टेम्पल्स। ओके, यहाँ पर जो है कन्नड़ लिटरेचर में तीन बहुत बड़े कवि हुए हैं, ठीक है, सीधा सीधा ये इंपॉर्टेंट है, आदि कवि पंपा, ठीक है, और पन्ना और रन्ना। देखो पंपा आपको याद रख सकते हो, पंपा से पंपा देवी, ये हम आगे डिस्कस करेंगे विजयनगर एम्पायर में, ठीक है, जो कि लोकल डीटी, ठीक है, वहां से आदि कवि पंपा, पन्ना और रन्ना, ठीक है, बहुत सिमिलर साउंडिंग है पन्ना रन्ना, ठीक है। तो ये आपको कहाँ पर मिलता है, ये आपको चालुक्यास में कन्नड़ लिटरेचर के थ्री जेम्स जिनको कहा जाता है। नो मेजर वर्क्स फ्रॉम बादामी चालुक्य पीरियड फाउंड, बट रेफरेंस आपको बाद में देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये इनके बारे में हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। तेलुगु लिटरेचर में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति आते हैं नान्य भट्ट, ठीक है, तो नान्य से अनन्या याद रख सकते हो, ठीक है, अनन्या, ठीक है, विजय देवरकोंडा के साथ मूवी करके कहाँ चली गई, तेलुगु वाले रीजन में, तमिल वाले रीजन में, ठीक है, याद करने के लिए, कंसिडर द फर्स्ट तेलुगु राइटर। ओके, विज्ञानेश्वर मिताक्षरा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम हिंदुइज्म में लॉ, टू स्कूल ऑफ लॉज की बात करते हैं, उसमें आपका वन स्कूल ऑफ लॉ आता है मिताक्षरा, ठीक है, दूसरा क्या है कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विज्ञानेश्वर मिताक्षरा हिंदू लॉ फेमस वर्क, जिसपे कि कह लीजिए हिंदुइज्म में भी, हिंदूज में दो तरीके की फैमिलीज को देखा जाता है। उसका एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, डी से स्टार्ट होता है, ठीक है, एक मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ, एक डी से शुरू है। ओके, ये जो मैं क्वेश्चन बीच बीच में पूछता हूँ इसका आंसर बता सकता हूँ, बट इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको थोड़ा सर्च करो, ठीक है, कुछ जिज्ञासा डेवलप होनी चाहिए कि क्या चीज़ है ऐसी, ठीक है, गूगल करो, सीधा गूगल करो तो मिल जाएगा, इम्पॉर्टेंट है सर्च करना, मेहनत करना, ठीक है। ओके, सोमेश्वरा थ्री कंपाइल, सारी चीज़ें क्या है ना, बहुत प्लेट में मिल जाती हैं तो बहुत उसकी वैल्यू नहीं रहती है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उस पर थोड़ी सी मेहनत की जाए। सोमेश्वरा थ्री कंपाइल्ड एन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज। नेक्स्ट आता है चालुक्यन एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमी रिलीजन सोसाइटी। आर्मी में हम बात करें इन्फेंट्री कैवलरी एलिफेंट्स ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। नेवी बहुत पावरफुल है क्योंकि आप पेनिनसुलर इंडिया में हैं, वहाँ पर आपकी नेवी बहुत अच्छी होनी चाहिए जो कि है। उसके अलावा टैक्सेस है हरजुंग किरुकुल बिल्कोट पन्या, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, सो यू कैन स्किप दिस, ठीक है। अब यहाँ पर पूरे के पूरे एरिया को डिवाइड किया गया है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कास, सो दैट इज प्रोविंसेस, सो महाराष्ट्र कास मंडल बेसिकली डिस्ट्रिक्ट्स आप कह सकते हैं, विशिया डिस्ट्रिक्ट भोग विलेज ग्रुप्स, ठीक है। तो ये आपका लैंड गवर्नेंस किस तरीके से एरियाज को डिवाइड किया गया है, ठीक है। ऑटोनमस रीजन्स है विद 58 ट्रीज,
ठीक है जी। यही जो गंगा डायनेस्टी है ये बाद में चलकर एक इंडिपेंडेंट एरिया भी काव आउट करते हैं, ठीक है। लोकल असेंबलीज हैं, मैनेज्ड द लोकल इश्यूज, एक आपको फेयर अमाउंट ऑफ अटोनमी मिल रही है, ठीक है, विलेज अटोनमी है। लर्न्ड ब्राह्मिन्स मैनेजिंग अग्रहार्स एजुकेशनल सेंटर्स, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, जिसमें ब्रह्मदेयाज हैं, ठीक है जी, अग्रहार्स हैं, ये अलग अलग तरीके से लैंड ग्रांट्स दी जा रही हैं, ठीक है, देवदान भी है। इसके अलावा अगर कॉइनेज की बात करें, डिफरेंट स्टैंडर्ड फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, नागरीस और कन्नड़ स्क्रिप्ट, ये आपको देखने को मिलती है। देवनागरी, नागरी से ही देवनागरी, ठीक है। टेम्पल्स लॉयन बोर फेसिंग राइट। अब देखो बोर जो है वो अब मैंने आपको बताया था वाइल्ड बोर, व्रह, दैट इज द अवतार ऑफ भगवान विष्णु, थर्ड अवतार, ठीक है। और देन आपका वेट की अगर हम बात करें कॉइन्स की, तो 4 ग्राम का मिलता है होनू, उसके बाद फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, अकॉर्डिंगली कि कितनी उसकी वैल्यू है कॉइन्स की। कॉइन मेनली आपको कॉपर कॉइन्स ही मिलते हैं यहाँ पर। वैदिक हिंदुइज्म टेम्पल डेडिकेटेड टू वेरियस डीटीज, ठीक है, शिफ्ट टूवर्ड्स शैविज्म देखने को मिलता है। जैनिज्म जो प्रेजेंट डे कर्नाटका है, ठीक है, वहाँ श्रवण बेलगोला वाला रीजन, वहाँ पर आपको जैनिज्म को काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन देखने को मिलता है। हिंदू कास्ट है सती, पॉसिबली एबसेंट रिकॉर्ड मेंशंस बिलो विडोज, क्योंकि विडोज के बारे में बताया गया, तो विडोज हैं मतलब वहाँ पर सती उतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता होगा। देवदासी सिस्टम इमर्ज हो चुका है टेम्पल्स में। भरत नाट्यम जो है का जो प्रीकर्सर है नाट्य शास्त्र, वो पॉपुलर हो चुका है, ठीक है, इस समय पर, और उसी का फर्दर कहिए फाइन फॉर्म में हमें भरतनाट्यम देखने को मिलता है। इसके अलावा महिलाओं के पास कुछ पॉलिटिकल पावर्स भी आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है जी। तो ये हमने नागर और विसार स्टाइल हमने डिस्कस कर लिया, संस्कृत के बारे में कर लिया, संस्कृत कल्चर इंटीग्रेटेड साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के साथ, इसीलिए आप आज के समय पर भी अगर आप द्रविड़ियन लैंग्वेजेस की बात करेंगे, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस, उसमें आपको संस्कृत के वर्ड्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। हिंदी में उतने ज़्यादा आज के समय पर जो संस्कृत के वर्ड यूज़ नहीं किए जाते जितना कि साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में किए जाते हैं, ठीक है। सो भक्ति मूवमेंट फ्लरिश्ड, ठीक है, रामानुजाचार्य बासवाना जो है लिंगायत मूवमेंट शुरू करते हैं। लिंगायत अपने आप एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है कर्नाटका में। रिलेटेड एस्पेक्ट्स की बात करें तो चाणुक्य उत्सव, ये रिसेंटली कर्नाटका की सरकार ने शुरू किया। 3 दिन का म्यूजिक और डांस फेस्टिवल होता है पट्टाडकल बादामी आईहोल में, कर्नाटका गवर्नमेंट कराते हैं, सेलिब्रेट द चाणुक्य अचीवमेंट इन आर्ट क्राफ्ट म्यूजिक डांस, और ये पट्टाडकल एंड इन आईहोल, ठीक है, इसको मुख्यमंत्री जो है इनॉग्रेट करते हैं। तो आइडिया ये है कि वो चाणुक्य के समय का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक टूरिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कल्चरल टूरिज्म का। चलो अब हम कर लेते हैं इसी से रिलेटेड, जो आज हमने डिस्कस किया इसी रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हर चरिता हैज रेफरेंस टू वेरियस पर्संस सेंट बाय अ रूलर नेम्ड भास्कर टू हर्षवर्धन, भास्करा बिलोंग टू, ठीक है। तो भास्कर जो है किससे रिलेटेड है, अब देखो ऑप्शंस देख लो, हर्यंक डायनेस्टी ऑफ मगध, अब हर्ष 7th century CE, हर्यंक डायनेस्टी प्री मौर्यस लगभग 5th century BCE, दोनों के बीच में लगभग 1200 साल का गैप है। अगर आपने थोड़ा सा भी हिस्ट्री को पढ़ा है, प्री मौर्यस और पोस्ट गुप्तास, जमीन आसमान का फर्क है, बिल्कुल गलत, ठीक है। नंदा डायनेस्टी ऑफ नॉर्थ इंडिया, अगेन जस्ट मौर्य से पहले, धनानंद कोराकर ही तो चंद्रगुप्त मारे आते हैं पावर में, गलत, ठीक है, नन ऑफ द अबव भी हो सकता है आंसर वैसे, ठीक है। वर्मन डायनेस्टी ऑफ असम, तो आंसर है आपका वर्मन डायनेस्टी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं इवन इफ यू हैव नॉट लाइक नोइंग द एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। सो आंसर है आपका वर्मन डायनेस्टी। वर्मन डायनेस्टी ऑफ असम इज द फर्स्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी ऑफ कामरूप डायनेस्टी, कामरूप आपका डिस्ट्रिक्ट भी है असम में। सो ही वॉज द 13th किंग ऑफ द डायनेस्टी, ठीक है, जो कि हर्षवर्धन के साथ अलायंस करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन द कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा एंड शोर टेम्पल एट ममल्लापुरम, ठीक है। कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा, एलोरा ये अजंता एलोरा महाराष्ट्र में होगा, ये ममल्लापुरम तमिलनाडु में, ठीक है। चलो बोथ आर एग्जांपल्स ऑफ नागर आर्किटेक्चर, जी नहीं, बोथ आर कार्व्ड आउट फ्रॉम सॉलिड रॉक्स, बोथ आर गुप्ता पीरियड टेंपल्स, बिल्कुल नहीं, ठीक है जी, क्योंकि ममल्लापुरम तो आपका चाणुक्यास सॉरी पल्लवास के समय पर हो गया, आई एम रियली सॉरी, बोथ आर बिल्ट अंडर द पेट्रोनेज ऑफ पल्लवा किंग,
ठीक है जी नहीं, आंसर क्या है, सॉलिड रॉक से बने हैं, ठीक है सॉलिड रॉक से, एक रॉक से उसको काट कर बनाए गए हैं। सो आंसर क्या हो गया आपका, बी, ठीक है आंसर हो गया बी। अगर आपने बेसिक से उसको समझा है तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये रहा कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल रॉक। नेक्स्ट आता है हर्षवर्धन रोट द प्ले रत्नावली, ठीक है हर्ष किसकी वेट कर रहा था, ठीक है किसकी वेट कर रहा था, ठीक है जिसकी वजह से उसके पेट में चूहे कूदने लगे, नाग नंदा है ना, नाग लेप जो है, सांप लौटने लगा, ठीक है। और रत्नावली जो है प्राकृत ड्रामा है, प्राकृत नहीं संस्कृत, संस्कृत में है तीनों प्लेज, ठीक है संस्कृत, तो ये गलत हो गया, ये सही है, आंसर क्या हो गया, वन ओनली, ठीक है जी। सो प्रिया दर्शिका, ठीक है प्रिया का जो है वो दर्शन करने के लिए वेट कर रहा है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, सीने पे सांप लौट रहा है, ठीक है ये हमने ट्रिक समझी थी। रत्नावली संस्कृत ड्रामा है, ठीक है जिसमें वो एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस और उदयन एक ग्रेट किंग के बारे में लिखता है। नेक्स्ट है आपका हुआनजांग केम टू इंडिया ड्यूरिंग द 7th century AD, 7th century AD जो कि आपका हर्षवर्धन का समय है, ठीक है जी बिल्कुल ठीक। ही वॉज क्रिटिकल ऑफ हर्षाज एंड हिज डिसरिगार्ड फॉर बुद्धिज्म, नहीं रादर उसने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है कि हर्षवर्धन के बारे में बहुत अच्छा अच्छा लिखा है, ठीक है कि वो महायान बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा दयालु है, बहुत ज़्यादा डोनेशन करता है, ठीक है हर 5 साल में डोनेशन करता है, इतनी डोनेशन करता है जो मैंने आपको बताया कि अपने कपड़े तक जो है डोनेट कर देते हैं। तो वो ये सारी चीज़ें जो हैं हुआनजांग जो है लिखते हैं अपने बारे मतलब जो है हर्षवर्धन के बारे में। तो ये आपका, तो ये सॉरी ये गलत हो गया आपका, तो करेक्ट पूछा है तो वन ओनली आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। ओके इजी है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है ओके। अजंता केव्स हैव बीन पेंटेड विद सीन्स फ्रॉम जैनिज्म, सो अजंता अलोरा, अजंता में क्या था, अजंता में बुद्धिज्म, हीनयान महायान, तो ये गलत हो गया, ठीक है मैंने अजंता अलोरा बताया था, अजंता में पहले लगभग 800 साल तक जो है हुआ है, 2nd century BC से लेकर 6th century CE तक। क्राउनिंग अचीवमेंट ऑफ एलोरा केव्स इज द कोलोसल मोनोलिथिक कैलाशनाथ टेम्पल, बिल्कुल सही कैलाशनाथ टेम्पल, मैंने आपको बताया कंफ्यूज मत करना वो कांची वाले के साथ, ठीक है यहाँ पर भी है। अजंता केव्स हैव बीन बिल्ट ओवर अ पीरियड 8 centuries फॉर बाई डिफरेंट रूलर्स, बिल्कुल ठीक 8 centuries तक ये चलता रहा, ठीक है सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 and 3, ठीक है 2 and 3। अब देखो ये क्वेश्चन अगर आपने बेसिक अजंता अलोरा केव्स पढ़ा है, अच्छा अजंता 800 साल का पीरियड था, बुद्धिज्म हीनयान और महायान बुद्धिज्म के बारे में मिलता है, एलोरा केव्स में आपको तीनों मिलता है, ठीक है हिंदुइज्म बुद्धिज्म जैनिज्म, ठीक है और अजंता जो केव्स हैं लगभग 800 साल तक और ये लगभग 400 से 500 साल तक रहा है, ठीक है और ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं पहला गलत, ठीक आंसर क्या होगा 2 and 3। ये पूरी की पूरी कहानी, ठीक है जी ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ये मूवी ये आपका ये हमने डिस्कस किया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलीव टू बी द कंपाइलेशन ऑफ द पोएम संग बाय द वुमेन, ठीक है सो ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली थेरी घाट जो है आपका एक जगह आया था मेंशन, सुमंगल विलासिनी स्त्री धर्म पद्धति ऋतु संहार तो नहीं है, ठीक है ऋतु संहार कहाँ था, कालिदास, ठीक है सो आंसर है आपका थेरी घाट कंपाइलेशन ऑफ पोएम्स, सो थेरी घाट वर्सेज ऑफ द एल्डर नंस बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है, कलेक्शन ऑफ कंसाइज पोएम बिलीव टू हैव बीन रिसाइटेड बाय अर्ली फीमेल मेंबर्स ऑफ बुद्धिस्ट संघ, ठीक है थेरी घाट। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आई थिंक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आपको नहीं करना चाहिए, तो हमने अभी खजुराहो नहीं पढ़ा है, ठीक है बट स्टिल ठीक है बदामी केव टेम्पल्स एलोरा खजुराहो महाबलीपुरम, अब आपको अगर ब्रॉडली ये ध्यान में है कि महाबलीपुरम के समय महाबलीपुरम पे कौन था, ठीक है तमिलनाडु में वहाँ पर कौन है, पल्लवाज हैं, तो ये हो गया आपका पल्लवाज, ठीक है ऑप्शन ये क्रॉस हो गया, सो 3 यहाँ पर। ओके एलोरा, ठीक है एलोरा, अब यहाँ पर आप देख सकते हो वैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 3 है 4 आ गया आपका, ठीक है तो ये आपका 4 राष्ट्रकूटास, ठीक है फाइन। अब यहाँ पर आप देख लो कि खजुराहो चंदेलास, क्योंकि चंदेलास खजुराहो मध्य प्रदेश वाला रीजन, तो ये 2 और बदामी केव टेम्पल चाणुक्यास, वेस्टर्न चाणुक्यास ईस्टर्न चाणुक्यास, चाणुक्यास के समय पर ही चाणुक्य की कैपिटल ही तो है बतापी बदामी, ठीक है 1 4 2 3
सो 1, 4, 2, 3 आंसर क्या हो गया, बी हो गया। तो बहुत आसानी से अगर आपको ये पता है कि बादामी किसकी कैपिटल है, चालुक्यास की, ठीक है, एलोरा, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट ही हैं दक्कन वाले रीजन में, ठीक है, वेस्टर्न चालुक्यास को राके राष्ट्रकूट ही आते हैं, खजुराहो, चंदेलाज, महाबलीपुरम, पल्लवाज, ठीक है, अभी हमने पढ़ा, तो आपका बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ये ध्यान में रखना यूपीएससी के। इंडिया इज अ लैंड ऑफ मेनी ब्यूटीफुल एंशियंट टेम्पल्स, विच वन अमंग द फॉलोइंग टेम्पल डिस्प्लेज मोस्ट एक्सटेंसिव एंड सम्प्टस रॉक कट श्राइन्स एंड इज द मोस्ट मार्वलस आर्किटेक्चरल फ्रीक इन इंडिया। अब ये अपने आप में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत जनरल सा स्टेटमेंट है, कोई और चीज इसमें नहीं बताई गई, और इंडिया का, इंडिया के बारे में कहा गया कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ ब्यूटीफुल एंशियंट टेम्पल्स, ठीक है, रॉक कट श्राइन्स हैं, रथ टेम्पल एट ममल्लापुरम, कैलाश टेम्पल एट एलोरा, छत्रभुज, विष्णु टेम्पल एट खजुराहो, कैलाश टेम्पल एट कांची, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ये तो नहीं है खजुराहो वाला, ठीक है। अब इसमें रथ टेम्पल, कैलाश टेम्पल, कैलाश टेम्पल एट कांची हो सकता है, बट गिवन द स्टेटमेंट, गिवन लाइक बहुत ज़्यादा उसके बारे में चर्चा की गई है, और बहुत बड़ी रॉक को कट करके जो एक बड़ा टेम्पल बनाया गया है, दैट इज द कैलाश टेम्पल एट एलोरा, ठीक है, बहुत फेमस है, इसको दुनिया भर से लोग देखने आते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है जी, और कैलाश टेम्पल एट एलोरा इट इज कार्व्ड आउट ऑफ वन सिंगल रॉक, जिसको कि लगभग हमने पढ़ा के 400 से 500 साल लगे हैं, जनता को 800 साल लगे हैं, तो दैट इज हाउ इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि बहुत सालों में, सेंचुरीज में जाकर बना है। ओके, डिपिक्शन ऑफ डिसेंट ऑफ रिवर गंगा फ्रॉम द हेवन इन द फॉर्म ऑफ रिलीफ स्कल्पचर, ये हमने पढ़ा, ठीक है, जिसको हमने अर्जुन का पेनेंस के बारे में देखा, पश्चाताप के बारे में देखा, सॉरी। सो एलोरा, महाबलीपुरम, सांची, अमरावती, अमरावती आंध्र प्रदेश नहीं है जी, सांची मध्य प्रदेश बिल्कुल नहीं है, ठीक है, एलोरा महाराष्ट्र नहीं है, महाबलीपुरम, ठीक है, महाबलीपुरम में हमने इस चीज़ को देखा, बाकायदा जो प्रधानमंत्री हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बाकायदा लेके गए थे इस जगह पर, ठीक है। सो दिस इज़ अ महाबलीपुरम, ठीक है, ये मैंने आपको फोटो दिखाई भी थी, ये जो पर्टिकुलर ये गंगा को डिसेंड करते हुए दिखाया गया, अर्जुनास पेनेंस। ओके, सो ये था आज का सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द लेक्चर। एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है मेरी तरफ से, हमने ट्रस्ट मी जितना एक्सटेंसिवली येट ब्रीफली जो है हम कवर कर सकते थे, एक बहुत फाइन बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है, एग्जाम ओरिएंटेड सेशंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ हैं, अगर आप इसको बहुत अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो आप एंशंट हिस्ट्री को बहुत अच्छा एक फेयर अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ द आइडिया, और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम, इसके बाद हम मेडिवल हिस्ट्री का सेशंस को शुरू करेंगे, थैंक यू सो मच।